हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आपको भी काइन मास्टर के अंदर लेयर के अंदर मीडिया का ऑप्शन शो नहीं होता है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को एक लाइक कर देना। और गाइस, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन भी शो नहीं होता होगा, आप इस वीडियो को जरूर देखना। आपके फोन की कितनी भी रैम हो, कितना भी छोटा फोन हो आपका, इस वीडियो को देख लीजिए, आपके फोन के अंदर मीडिया का ऑप्शन शो हो जाएगा। और गाइस, अगर आप भी फास्ट मोशन स्लो मोशन वीडियो बनानी सीखना चाहते हो टिकटॉक वगैरह पे मेरे से, मैं सिखाऊं, तो गाइस आप कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए, मैं एक ट्यूटोरियल्स वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो गाइस, वीडियो पसंद आने पे वीडियो को एक लाइक कर देना, और गाइस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जब आपका काम कर जाए ना तब शेयर करना गाइस। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइस, मैं सबसे पहले अपना काइन मास्टर ओपन कर लेता हूं। तो गाइस, जैसे ही मैं काइन मास्टर ओपन करता हूं गाइस, चलो हम कोई सी भी एक वीडियो देख लेते हैं, उसके अंदर मीडिया का ऑप्शन शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो आपको मीडिया का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इमेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो गाइस, हम यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन किस तरह से ऐड कर सकते हैं, आपको क्या सेटिंग करनी है गाइस, वीडियो को देखो लास्ट तक। तो गाइस, चलो बैक कर दीजिए। तो गाइस, आपको सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कीजिए। तो गाइस, जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करते हो तो गाइस आपको सबसे नीचे जाना है। तो गाइस, जैसे ही आप सबसे नीचे जाते हो तो आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो गाइस आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पे वार्निंग लिखा हुआ आएगा और कंटिन्यू एनी वे दिखेगा, तो गाइस आप इसको कंटिन्यू एनी वे कर दीजिए। तो गाइस, जैसे आप इसको कंटिन्यू करते हो आपको यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप और भी चीज़ें यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो। तो हम सबसे नीचे हमें लेयर ऐड करनी है, देखो यहाँ पे अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड, तो आप इसको यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। जैसे आप इसको इनेबल कर, तो यहाँ पे दोबारा वार्निंग आती है लिखी हुई, आप इसको भी कंटिन्यू एनीवे कर दीजिए। जैसे आप इसको कर देते हो, फिर चलो हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद गाइज अपनी वीडियो चेक कीजिए, आप कोई सी भी अपनी वीडियो चेक कीजिए जिसके अंदर आपको लेयर में मीडिया का ऑप्शन ऐड करना है। तो गाइज यहाँ पे देखो, आप खोल के देख सकते हो ये मीडिया का ऑप्शन आ चुका है। अगर गाइज इस तरीके से भी आपके फोन के अंदर मीडिया का ऑप्शन शो नहीं होता है, तो गाइज आपको क्या करना होगा। और गाइज यहाँ पे बहुत सी बार ऐसा होता है, जैसे इस वीडियो के अंदर आपको नहीं होगा शो, तो आप दूसरी वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज चलो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, सारी सेटिंगें बताता हूँ जिससे आपके अंदर आ जाए आपके फोन के अंदर। तो आप दोबारा सेटिंग पे जाइए और यहाँ पे देखो आपको डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन दिखेगा, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपके फोन की क्वालिटी दिखाता है, और यहाँ पे देखो आपकी लेयर कितनी, मैक एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ वीडियो लेयर्स यहाँ पे दिखाता है, कितनी आपकी कितनी क्वालिटी में कितनी लेयर सपोर्ट करेगी। तो गाइज अगर आपके फोन के अंदर नहीं आती है लेयर सब चीज सेटिंग करने के बाद भी, तो आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए और रन एनालिसिस नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो इसको दोबारा यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए, हार्डवेयर परफॉर्मेंस एनालिसिस, तो आप रन एनालिसिस नाउ पे क्लिक कर दीजिए। तो गाइज आपको इसको कर देना है, और कोई सी भी दूसरी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी है। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको कोई सी भी यूज़ नहीं करनी है, कोई एप्लीकेशन मतलब अपना फ़ोन स्विच करके कोई और सी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी है, तभी आपकी ये पूरी लोडिंग हो पाएगी। जैसी आपकी ये लोडिंग पूरी कम्प्लीटली हो जाती है गाइज, आपके फ़ोन में जो भी चीज़ सपोर्ट करती होगी गाइज, आपके फ़ोन में वो आ जाएगी। चाहे आपके फ़ोन में जो भी सपोर्ट करता होगा, आपके फ़ोन में सब चीज़ें शो हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, आप मैं जाता हूँ अपनी वीडियो एडिट करने, तो चलो मैं लेयर के अंदर मीडिया के मीडिया में कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ये वाली वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन भी शो हो गया है। गाइज सॉरी, मैंने आपको दिखाया नहीं था पहले, बट गाइज ये आता नहीं था, अब देखो ये आ चुका है। तो गाइज सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मैंने बताया आपको ऐसी सेटिंग करनी होगा, बिना वाटमार्क वाला आपको काइन मास्टर डाउनलोड करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो गाइज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिसको जरूरत है जरूर शेयर करिए। और गाइज वीडियो को यार लाइक तो जरूर कर दीजिए। तो गाइज हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।